मैं तो अपना अच्छे लोग मिल जो लोग आया था घर में बैठ कर अकेला क्या करेगा, क्या बात है, सही सब अच्छे बुरे सब मिलते हैं जी। आंटी जी आपने कौन सा पराठा खाया है? हमने मूली का खाया है और बहुत टेस्टी है। अभी हम परसों खा के गए थे, आज फिर खाने आए हैं। इसके हाथ के पराठे वगैरह बहुत अच्छे हैं। हमारा तो मन कर रहा है सरदार जी के हाथ चूम ले। अच्छा आपने कौन सा पराठा खाया है? भाई सारे लपेट दिए हमने तो, सारे पराठे खा के देख लिए, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा कौन सा खाया है? हमने आलू का खाया, मूली का खाया, गोभी सब पे खा के देखे, सब बहुत अच्छे हैं। खुद तो बनाते ही हैं, अब बने बनाए खाने में कुछ और मजा आता है। क्या बात है, सही कहा बिल्कुल आपने। भाई रात का समय हो और आपका मन करे गर्मा गर्म और लाजवाब पराठे खाने का, तो आ जाइए सरदार जी के पास आईटीओ। न जाने कितनी वैरायटीज के पराठे मिलते हैं, हम सरदार जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कब से ये पराठे खिला रहे हैं और किस किस वैरायटीज के यहाँ पर ये पराठे रखते हैं। आइए मेरे साथ। अंकल जी नाम क्या आपका? मेरा नाम बलराज सिंह है। अच्छा उम्र कितनी है? 58। ये आलू पराठा होगा, अंडा पराठा होगा, गोभी होगा, पनीर होगा, प्याज होगा, मिक्स है, मूली है। अच्छा हाँ जी, दाल फ्राई है, रायता है, अंडा करी है, छोले हैं। अंकल इसकी शुरुआत कैसे हुई थोड़ा बताएंगे? मतलब पुराना अपना ये? पिताजी के टाइम से चले आ रहे हैं हम। अच्छा हमारे फादर बुआ करते थे फादर के टाइम से। और टाइमिंग क्या रहता है? टाइमिंग शाम को 7 बजे से लेकर रात के 11:30 और 12:45 तक। अच्छा हाँ जी, 3 मूली दी है ना, ये भी मूली है यार। यहाँ मैंने जितनी थी मूली रखी थी, यहाँ से उठाई आपने? एक दे दिया, दो और करो, दो और ले। अंकल इसी तरीके से पराठे खिलाते आ रहे हैं, कुछ बदलाव किया अभी टाइम? नहीं नहीं बदलाव क्या, जो ग्राहक को अच्छा लगे वैसे ही बनाएंगे। अच्छा प्राइजेस क्या रखे हुए? प्राइज आलू का 30 रुपये है। अच्छा आलू प्याज 35 है, मिक्स 40 है, फिर पनीर का 60 रुपये का है, अंडे का 40 रुपये का हर। अच्छा तो पहले आपके फादर साहब लगाते थे? हाँ मेरे फादर हुआ करते, तो आप उनके साथ स्टार्टिंग से? हाँ, मैं उनके साथ में, उन्हीं के साथ में हुआ करता था। अच्छा हाँ। तो आपकी टीम में कौन कौन है साथ में इस टाइम? मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेले ही है। कहाँ से आते हैं? सब मैं द्वारका मोड़ से आता हूँ। अच्छा तो किसी दिन ऑफ रहता है अपना? ऑफ तो एक संडे होता है, 15 दिन बाद में एक छुट्टी। तो भाई आप देख सकते हैं जब से हम आए हैं अंकल की ये जो स्पीड है ये रुक नहीं रही है, नॉनस्टॉप उसी स्पीड से पराठे बनाते जा रहे हैं, ये ना थकते हैं ना हारते हैं, ऐसा क्या है अंकल एनर्जी के पीछे राज क्या है? बुढ़ापे में ऐसा काम कर रहे हो? परमात्मा दे रहा शक्ति, चले जा रहे हैं। क्या बात है, तो आप देखिए अंकल की स्पीड देखिए भाई। अच्छा बेलने का काम आप ही करते हैं? हाँ बेलना मैं ही है, मैं बैठ क्योंकि ना मैं खड़ा नहीं हो सकता ज्यादा वो नहीं करता, बैठ का ही काम कर सकता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बच्चे क्या करते हैं आपके? मेरा बड़ा लड़का एक लॉ करता है। अच्छा हाँ जी हाँ जी, तो यहाँ तो मैं तो अच्छे लोग मिल जो लोग आया था घर में बैठ कर अकेला क्या करेगा। क्या बात है, सही सब अच्छे बुरे सब मिलते हैं। ये आपके पराठे नो डाउट बहुत फेमस है यहाँ पर, ऐसा क्या है मतलब प्यार के साथ साथ और क्या मिला रहे, कोई सीक्रेट मसाला या कोई खास चीज? कुछ भी नहीं है। अच्छा सब कुछ यही है। क्या बात है, तो अपने पराठे की चीज में तैयार होते हैं? सारे घी में ही तैयार होते हैं। घी में तैयार होते हैं, मक्खन में कोई अलग मानता तो मक्खन में अलग से दे दिया जाता है। ये बूंदी रहता है सर, ये अलग से 30 रुपये का, और ये दाल फ्राई ये 30 रुपये का अलग से, छोले 40 रुपये का अलग से है। अच्छा ख़त्म हो गया, ये एग करी है 60 रुपये। अच्छा अच्छा मिक्स है ना, एक पानी की बोतल ला के दे पीछे, पानी की बोतल ले आएंगे। बोली पराठे के साथ, पराठे के साथ ये अचार है, गाजर नींबू अचार की रंगत देखिए क्या जबरदस्त अचार है, और ये ग्रीन चटनी है पराठे। अगर तेरे पास दूसरा पराठा कौन सा पड़ा हुआ है? ग्रीन चटनी। हाँ जी ये अचार ग्रीन चटनी देखिए। हाल क्या दे रहा, मिक्स लो जी, ये लो ये मिक्स है, हो गया अंडे के शंकर बाहर लिया, 30 रुपये एक दाल पैक करके दे दो। इस टिक्की का अलग से रेट होता है अंकल? ये 15 रुपये, मक्खन अलग से। अच्छा तो इस तरह से मक्खन दिया जाएगा आपको, 15 रुपये अलग से चार्ज किए जाएंगे। छोटे तू पहले अपना उनका परांठा देख रहा, मक्खन वाला हो गया उनका नहीं हुआ? मक्खन में ना भाई, साथ में अंकल काम भी कर रहे हैं और जो अपने कस्टमर है उनका भी बराबर ध्यान रख रहे हैं। आई एम श्योर कि आपका भी मन जरूर कर गया होगा ये पराठे खाने का। भाई दिल्ली दूर नहीं, आ जाइए आईटीओ अगर आपको भी खाने हैं ये पराठे। और आप देखिए उधर कितने सारे कस्टमर हैं, यहाँ पर ग्राहक बहुत हैं। जरा ध्यान देना, मैंने फिर भी यहाँ पर लोगों की भीड़ बराबर रहती है। तो नहीं है मिक्स, तो मैंने उसको दे दिया मकान। देखो अंकल कोई यूनिक पराठा है जो कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ आपके पास मिलेगा? नहीं नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। अंकल कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ जी, एक बार आइए, अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार जरूर आइएगा और बताइए अपना
पराठे तो आने दो, पैसे भी ले रहा हूँ। तो भाई अंकल का ये कहना है बहुत अच्छे होते भैया जी, एक यहाँ के पराठे बहुत अच्छे होते हैं, काफी भी लगता है, काफी दूर दूर से आते हैं गाजियाबाद नोएडा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलम है। आलम, काफी दूर दूर से आते हैं लोग, काफी भीड़ लगा हुई है, सारे कार वाले हैं, गाड़ी वाला। तो भाई इनके गाड़ी में भी यहाँ पर डिलीवरी की जा रही है बराबर, आप गाड़ी में देखेंगे यहाँ रश तो बहुत ज्यादा भीड़ है जी। मैं कह रहा हूँ आपको, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार आइए, हमें सेवा पानी करने का मौका दो, आप खा के देखो पराठे भैया। और अंकल गोभी लो जी, अंकल का यही कहना है कि भाई एक बार आइए, एक बार इनके पराठे जरूर टेस्ट करिए। और निकालो जी, कौन सा पराठा बन रहा है? आलू प्याज बन रहा है। आलू प्याज ये गोभी है दोनों, ये आलू प्याज हैं जी। आंटी जी आपने कौन सा पराठा खाया है? हमने मूली का खाया है और बहुत टेस्टी है, अभी हम परसों खा के गए थे, आज फिर खाने आए हैं, इसके हाथ के पराठे वगैरह बहुत अच्छे हैं। इतने पसंद है मतलब कल भी खाए थे और आज फिर आ गए? कल नहीं परसों, परसों खाए थे परसों। अच्छा तो मतलब आप लगातार आते रहते हैं यहाँ पर? अच्छा देखो ये भैया मजे ले रहे हैं यहाँ पर है। नहीं नहीं यहाँ के पराठे अच्छे में है, सच्ची में अच्छे है। अच्छा अच्छा आपने भी खाया आंटी? खुद तो बनाते ही हैं, अब बने बनाए खाने में कुछ और मजा आता है। क्या बात है, सही कहा बिल्कुल आपने। आपने कौन सा पराठा खाया है? आपने कौन सा पराठा? मूली के परांठे खाए, आलू के खाए, और कौन सा था, गोभी का खाया। तो भाई आप देख सकते हैं रात का समय और आंटी जी यहाँ पर मजे ले रहे हैं गर्मा गर्म पराठे का। थैंक यू आंटी। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर फैमिलीज आती हैं पराठे खाने के लिए रात में, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सेफ एंड सिक्योर प्लेस है जी। अंकल जी आपने कौन सा पराठा खाया है? आलू का, गोभी का, मूली का। अच्छा सारे पराठे टेस्ट किए हमने। सबसे अच्छा पराठा कौन सा लगा? सबसे अच्छा आलू का परोंठा है। अच्छा तो फर्स्ट टाइम खाया है, आते रहते हैं आप? तो हर हफ्ते आते हैं। अरे वाह भाई आप देख सकते हैं ऐसी है दीवानगी यहाँ के पराठों के लिए। आपको कैसे लगे यहाँ के पराठे? बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। हम औरों को भी कहते हैं कि यहाँ पे आओ। अच्छा और सरदार जी को मौका दो बनाने का और वो खाने का। क्या बात है, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। तो आप भीड़ देखिए भाई यहाँ पर कितनी भीड़ है, और ये भीड़ इसी तरह से नॉनस्टॉप लगती रहती है, और क्योंकि रात को एक सिर्फ एक ऐसी जगह ये है शायद मेरे हिसाब से जहाँ पर गर्मा गर्म पराठे आपको दिल्ली के अंदर खाने को मिल जाएंगे। भैया बता दो आपका कौन सा पराठा? सच में बहुत ही स्वादिष्ट पराठा है, तो मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं अपना अंडा पराठा फिनिश करता हूँ और आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और आपका मन कर रहा है ये पराठे खाने का तो एक बार आ जाइए सरदार जी के पास आईटीओ, ये यहाँ पर चलती है इनकी सर्विस नॉनस्टॉप रात को। बाय बाय।